जानी जब घर वापस जा रहा था तब एलिवेटर में एक छोटा बच्चा भी उसके साथ था। तो फिर वो उसे कहता है कि हे बच्चे, तुम्हारी फीस पर कुछ लगा हुआ है। उस बच्चे को वो नहीं मिल रहा था, तो फिर जानी ने कहा कि रुको, मैं ही उसे उड़ा देता हूँ। लेकिन जानी के हाथ से कचरा नहीं लगा बल्कि उस छोटे बच्चे को लग गई। वो रोने लगा कि मैं मम्मी को जाके बता दूंगा कि तुम मुझे बुली कर रहे हो। जानी तो मदद करना चाहता था लेकिन उल्टा हो गया। फिर वो जेंगशी से फोन पे बात कर रहा था कि हाँ मैं घर पहुंच गया हूँ। जेंगशी टीवी देख रहा था और उसकी छोटी बहन उसके साथ वीडियो गेम खेलने के लिए कह रही थी। वो फोन पे जानी को कहता है कि ध्यान से जाना और क्या तुमने खाना खा लिया। जानी कहता है मैं करी राइस बनाने की सोच रहा था लेकिन फिर मैं बाहर से ही खाना लेता आया। वो अपने घर पहुंच गया और उसके घर में ऑलरेडी चीव बैठा हुआ था और वो कहता है कि मुझे बहुत ही भूख लगी थी इसलिए मैंने तुम्हारा एक रामेन खा लिया। जानी तो डर गया कि आप अंदर कैसे आए और यहाँ पे क्या कर रहे हो। चीव जानी से उम्र में बड़ा है तो फिर शायद वो उसे रिस्पेक्ट देता होगा। आई एम सॉरी, पहले मैंने ये नहीं सोचा था। चीव ने कहा कि अपने कुछ कपड़े पैक कर लो और मेरे साथ चलो, यहाँ पे तुम सेफ नहीं हो। जेंगशी अब भी फोन पे था और उसे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था कि वहाँ पे क्या चल रहा है। जानी चीव से कहता है कि ये मेरा घर है, आप यहाँ पे मेरे लिए खतरा हो। लेकिन चीव उसे कहता है कि आवाज मत करो। उसने एक लेजर लाइट देखी और वो जानी को लेकर नीचे गिर गया। जानी ने जोर से आवाज की तो जेंगशी परेशान हो गया कि जानी तुम्हें क्या हुआ। फिर चीव ने विंडो से देखा तो सामने की बिल्डिंग पे कोई अपनी कैट से खेल रहा था। तो फिर वो जानी को उठाता हुआ उससे माफी मांगता है। जानी को जोर से लगी थी तो वो खांसता हुआ कहता है कि अभी तो मैं मर ही जाता, अब जाओ यहाँ से। लेकिन चीव उसे अपने साथ ले जाने लगा कि जल्दी मेरे साथ चलो। जानी कहता है आप मजाक कर रहे हो ना, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, तो फिर मैं ऐसे ही कैसे आपके साथ चल सकता हूँ। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आया और उसने बताया कि अभी तुम चीव भाई के साथ चले जाओ, फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। तो फिर जानी चीव के साथ चला गया। वो कार में उसे पूछता है कि क्या आप मेरी मॉम को जानते हो। चीव कहता है नहीं, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे पैसे दिए गए हैं। जानी बोलता है कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ तो फिर मुझे प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, तो क्या कोई मुझे हर्ट करना चाहता है। चीव मन में बोलता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, मतलब कि सच में कोई जानी को हर्ट करना चाहता है और उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। जानी उससे आगे कोई और सवाल पूछे उससे पहले ही चीव ने कहा कि हम पहुंच गए हैं, जल्दी से कार से बाहर निकलो। बाहर निकल के जानी ने देखा तो बहुत ही आलीशान तरीके से उसका इंतजार हो रहा था। हीचिंग ने उसे बताया कि तुम कुछ दिनों तक यहाँ पर ही रहोगे। फिर जानी ने जेंगशी को कॉल किया। जेंगशी तुरंत ही उसे पूछता है कि जानी तुम ठीक तो हो ना, आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। जानी कहता है कि मैं अभी हितियान के नहीं उसके डैड के मतलब नहीं मैं उसके भाई के घर पे हूँ। पता है उसका भाई बहुत ही ज्यादा पैसों वाला है। जेंगशी पूछता है कि लेकिन तुम उसके घर पे क्यों हो। फिर सुबह चीव जानी को जबरदस्ती उठाने आ गया। जानी जैसे तैसे करके उठा और कहता है कि क्या आप पागल हो, आप अभी मुझे क्यों उठा रहे हो, अभी तो अलार्म बंद भी नहीं हुआ है। चीव कहता है आज से तुम्हें हर रोज 50 पुशअप्स और 2 लैप्स रन करना है। जानी कहता है मैं आपकी बात क्यों मानूं। चीव कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा फोन ले लूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगा और तुम्हें डिनर भी नहीं मिलेगा और तुम्हें इस रूम से बाहर जाने की भी परमिशन नहीं होगी। तो फिर जानी कसरत करने के लिए मान गया।